हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सर्कुलर टैंक में, मतलब जो हमारे रूफ़ पे ज़्यादातर जो सर्कल में राउंड शेप में टैंकी जो पड़ी होती है उसका वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वाटर की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उस गोल टैंकी में, मतलब सर्कुलर टैंक अगर आपके पास हो उसमें वाटर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज वो बताने जा रहा हूँ। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि अब ये हाफ फिल हो हमारा, मतलब 75% फिल हो, तो हमने कैलकुलेट करना है कि 75% लीटर कितने हैं और ऊपर बाकी लीटर कितने हैं। सो बहुत प्लान किया आपको सब सिखाने, टेंशन नहीं लो। सो बेसिकली देखो अभी के इसमें हम वाटर कैसे कैलकुलेट करते हैं इतने सर्कुलर टैंक में। सो डायमेंशंस मैं आपको बता देता हूँ, डायमेंशंस इसका डाया मैंने लिया है 3 फीट, मतलब उसका डाया जो है वो 3 फीट है और उसकी टंकी की हाइट जो है वो 5 फीट है। सो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, ऑफ कोर्स वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो वॉल्यूम इक्वल टू पाई डी स्केयर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम लेके कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पाई बाय 4, डाया कितना है 3 फीट और लेंथ कितनी है 5 फीट। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.7859 और 5, 3 3 9, सो अभी ये आ जाएगा 35.325 क्यूबिक फीट। सो हमारा वॉल्यूम क्या आ गया, हमारा टोटल इस टंकी का वॉल्यूम आ गया 35.325 क्यूबिक फीट। सो टोटल वॉल्यूम हमारा इतना आ गया। अच्छा, अब एक बात जेहन में रखो, ये कहीं डायरी पे कॉपी पे अपने पास लिख लो, 1 क्यूबिक फीट में हमारे पास 28.7 लीटर होते हैं। 28.3 लीटर्स भी लेते हैं, समथिंग थोड़ा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है 28.7 लीटर्स लेते हैं। 1 क्यूबिक फीट क्या मतलब, मतलब लेंथ वेट हाइट, मतलब एक हमारे पास एक प्रॉपर क्वांटिटी में हमारे पास एक डब्बा सा है उसके अंदर 28.7 लीटर्स तक पानी स्टोर हो जाता है, ये एक स्टैंडर्ड है। उसके बाद एक और है कि 1 गैलन में तकरीबन 3.785 लीटर्स होते हैं, ये US गैलन स्टैंडर्ड है। UK गैलन स्टैंडर्ड में तकरीबन 4 point something होते हैं, उसका मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये US गैलन स्टैंडर्ड है, ठीक हो गया। चलो अब 1 क्यूबिक फीट में इतने हैं 28.7 लीटर्स, सो हमारे कितना टोटल लीटर्स आ जाएगा। सो वाटर इक्वल टू वॉल्यूम हमारे पास कितना है 35.325 मल्टीप्लाई 1, अगर क्यूबिक फीट में हमारे पास इतने लीटर हैं तो इतने क्यूबिक फीट में कितने होंगे, हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 28.7 से, ठीक हो गया, सिंपल। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाता है 10.13875 लीटर्स, मतलब 1013 लीटर तकरीबन हमारा वाटर उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। सो अगर इसको गैलन में कन्वर्ट करना है, जस्ट इसको 30 पे डिवाइड कर दो 3.785 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 267.85 गैलन्स आ जाएंगे। सो हमारा टोटल वाटर कितना स्टोर होगा इस टंकी में, 267.85 गैलन्स। सो बेसिकली इतना पानी हम इस टंकी में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो ये मैंने बताया कि हम गैलन कितना इसमें स्टोर होता है, नेक्स्ट आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास इतने लेवल तक यहाँ पे पानी स्टोर है, तकरीबन 30% हमारे पास पानी है, सो हमने कैलकुलेट करना है 30% कितने लीटर्स है और बाकी जो रिमेनिंग है वो कितने लीटर्स है।
चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई भी मसला है नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाय बाय।